So what's up भाई भैया, I'm back with another video dude. So जैसा कि तुम सभी लोगों को तो पता ही है, कल के दिन 22 मार्च को सब कुछ लॉकडाउन था ड्यू टू कोरोना वायरस. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वायरस से बचने के लिए हर कोई अपने तरफ से सारी कोशिशें, मुमकिन कोशिशें कर रहा है कि कैसे ना कैसे इस वायरस से जल्दी निजात मिल सके. सभी मुल्क जो है अपने नागरिकों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर ट्राई कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने सभी लोगों को इस वायरस के चलते बचा ले. ऐसे में जो है सबको लॉकडाउन रहने के लिए कहा गया, अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है कि जिससे तुम सभी इस वायरस से बच सकते हो, बिकॉज कि ये वायरस जो है कॉन्टैक्ट से फैलता है. और ऐसे में अगर तुम सेफ रहोगे, अपने घर में रहोगे, तो खुद भी बचोगे और दूसरों को भी बचा पाओगे. सो ड्यूट यही बात का फ़ायदा उठाकर हैकर्स भी कई सारे लोगों को चूना लगा दिए. मतलब के दरअसल यहाँ पे एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि कई सारे लोगों ने अच्छा खासा अमाउंट, मोटी रकम जो है हैकर्स के वजह से गवा दिए. सिर्फ दरअसल बात ऐसी है कि हैकर्स जो है लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, लिंक भेज रहे हैं, जिसमें कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर तुमको कोरोना वायरस से बचना है तो इस आर्टिकल को पढ़ो, या फिर कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि हम जो है कोरोना वायरस के लिए एक सेल निकाले जिसमें तुमको मैकबुक एयर 29,000 में मिलेगा, जो कि उसकी एक्चुअल प्राइस अच्छी खासी लाखों में, मतलब के 1 लाख के बराबर भी तो है. और ऐसे में जो है कोरोना वायरस सेल के नाम से उस मैकबुक एयर को 29,000 रुपये में बेचने का दावा किया जा रहा है. और सेम डिट्टो जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पेजेस की कॉपी बनाकर, उनकी जैसी साइट की कॉपी बनाकर यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है, जिससे कि जो यूज़र उस पे पेज पे विजिट कर रहा है उसको तो ये लग रहा है कि हाँ भाई ये तो ओरिजिनल है. और ऐसे में जो उसको बाय करने के चक्कर में जो है वो अपने पैसे गवा दे रहा है. सो ड्यूड एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आया है कि 1 जनवरी से लेके अभी तक जो है टोटली कोरोना वायरस के नाम से जो है 60,000 से ज़्यादा डोमेन नेम खरीदे गए और उस पर वेबसाइट्स बनाई गई, जिसमें के 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा जो है फेक वेबसाइट्स बनाए गए, जिसका इस्तेमाल हैकर्स कर रहे हैं. और वो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि तुमको वो लिंक सेंड कर रहे हैं, ईमेल दे रहा है, साथ ही में व्हाट्सएप पे मैसेजेस दे रहा है, जिसमें कि वो मैलवेयर भेज रहे हैं, मैलवेयर भेज के तुम्हारे डिवाइस को हैक कर रहे हैं. और ऐसे में जो है वो तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड वगैरह सब चुरा ले रहे हैं. और ऐसे में जो है अभी सब लॉकडाउन है, तो ऐसे में बैंक वगैरह का भी वो अच्छा खासा फ़ायदा उठा ले रहे हैं. सो ड्यूड अगर तुम सभी को भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं तो तुमको क्या लगेगा कि हाँ भैया बिकॉज के सब बंद है, तो ऐसे में हो सकता है कि कंपनी ने कोई सेल निकाली हो ताकि वो अपने पड़े हुए डिवाइसेस को सस्ते में बेच सके. सिड्यूट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हालांकि कई सारी कंपनीज ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ये कहा है कि तुम घर पर रह के काम करो, लेकिन ये कोई कंपनी नहीं कर रही कि वो अपने डिवाइस को इस वायरस के चलते सस्ते में बेचे. तो ऐसे में अगर तुमको ऐसे ईमेल आ रहे या फिर ऐसे मैसेजेस या ऐसी लिंक कोई मैसेज के जरिए सेंड कर रहा है, तो तुमको सबसे पहले उसको डिलीट करना है. और साथ ही में खुद भी ओपन ना करो तो दूसरे को भी शेयर ना करो, बिकॉज कि अगर तुम ऐसे मैसेजेस को शेयर करते हो और कोई अगला वहाँ पे जाके विजिट करता है तो हो सकता है कि वो भी हैकर्स का शिकार हो जाए. तो ऐसे में तुमको जो है खुद को घर पे रहकर बचा ही रहे हो, तो साथ ही में खुद के बैंक बैलेंस को भी इस तरीके से बचा लो, बिकॉज कि अगर तुम हैकर्स का शिकार हो जाओगे तो पता नहीं चलेगा कि जब कब खुद का तुम बैंक बैलेंस खाली कर बैठे हो. तो ऐसे में तुमको क्या करना है कि ऐसे मैसेजेस को आगे शेयर करने से भी रोकना है और इस बारे में दूसरों को भी बताना है कि ऐसा ऐसा वायरस के चलते जो है फेक अफवाह, फेक न्यूज़ और साथ ही में फेक लिंक, फेक मैसेजेस शेयर हो रहा है, तो तुमको इससे बच के रहना है. सो दैट्स इट गाइस, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हैकर्स लोगों को कोरोना वायरस के नाम से चूना लगा रहा है. आई होप कि तुम सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ आएंगी और साथ ही में ये वीडियो पसंद आई होगी. सो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट करें, बताएं कि तुम सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. और ऐसे इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड अप टू डेट रहने के लिए टेक इनसेन को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.